की देखते हैं तो की कुछ ऐसी है जो ट्रंक खोलने के लिए है, हेडलाइट्स के लिए है, अनलॉक एंड लॉक के लिए है, एंड आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज़ अगेन समथिंग और द अदर विच आई हैवंट ट्राइड एज ऑफ नाउ. इधर पे ना दिस इज़ द प्लेट पास विच इज़ अ ई पास. इफ़ यू वॉन्ट टू पे बाई कैश तो आप इसको अंदर स्लाइड कर दीजिए, ये रीड नहीं होगा. और अगर आपको कैश पे नहीं करना है तो आप इसको बाहर निकाल दीजिए, विच इज़ कॉल्ड प्लेट पास. फुट रेस्ट सो द कार लुक्स लाइक दिस एंड इट वेलकम्स यू. विल कीप द की हेयर. भाई गाड़ी में मज़ा आ गया, नेक्स्ट लेवल लग्जरी. बट जितना मैंने अब तक ड्राइव किया है ना, इट्स लेस पंची. पुट इट ऑन एंड जैसे कि बाकी गाड़ियाँ देते हैं, प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट इंजन. Yes. Okay. So let's start the vehicle. We've kept the key over here, and this is our start stop button, which I press it by right hand. जो कि left hand आदत होती है बहुतों को, क्योंकि हम Indians हैं. Done. Seat belt done. No sign. This has lane assist as well. I have fuel economy. So I was reading about this particular car. मैं पढ़ रहा था. तो 28 to 32 की miles per gallon की इसकी average आती है. You guys can convert miles per gallon और mileage को kilometer per liter को. दो अलग अलग type के ACs आते हैं. So we have two different ACs for passenger end and for drivers end. उसके लिए ऑटो हेडलैम्प्स है मेरे पास में. पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड दिस इज L1. सो दिस इज L व्हिच इज लो. वी हैव पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड लो. सो दिस इज बेसिकली व्हेन वी नीड मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द पावर. और हम लोग कुछ लोग इसको ना लोड भी बोलते हैं. सो लेट्स गेट द कार इनटू ड्राइविंग मोड. डन. और मेरे पास यहाँ मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है मेरे को प्लस माइनस का. हमारा पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ऑफ है. नथिंग सर. नाउ वी कैन स्टार्ट मूविंग. अभी बेसिकली हम ना वुड्स पे आए हुए हैं तो नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं. कार काफ़ी बड़ी है, अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी है. एज यू कैन सी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह है. यहाँ सारे हमारे सेफ्टी SOS एक्टिव्स हैं जो कि US के अंदर एक नॉर्म्स के तौर पे काम करते हैं, जो कि US में एक नॉर्म्स की तरह काम करते हैं. आगे चलते हैं. ये बहुत दिनों बाद एक ड्राइव वीडियो बना रहा हूँ मैं US में, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल रहा था अब तक. यार वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है. कब बनाना है? अगर इसको रेव करके मैं ट्राई करूँ तो ये CVT होने के कारण बहुत टाइम लगाता है. एंड यहाँ हमारा GoPro गिर चुका है और शायद टूट भी चुका है. टूट चुका है भैया हमारा GoPro का ये पार्ट टूट चुका है. यहाँ ना बहुत सारे पॉड्स हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके आप बारबेक्यूज के और बॉनफायर के मज़े ले सकते हो. सो लेट्स गो आउट. बहुत स्टेबल है यार. मैं इतने ऑफ रोडिंग से जा रहा हूँ, इतनी कम्फर्टेबल बहुत कम्फर्टेबल है मालिबू. ब्रेकिंग इज क्वाइट नाइस. ब्रेकिंग तो बहुत ही प्यारी लग रही है मेरे को. स्लो डाउन, एग्जिट, लेट्स गो आउट. कल के कंपैरिजन में आज इस गाड़ी को चलाने में जो मज़े आ रहे हैं, एक दिन हमने एनालाइज किया यहाँ के रोड्स, यहाँ के बाकी सारी चीज़ें, एंड इट वाज अ नाइस अमेजिंग एक्सपीरियंस. राइट टर्न, लेट्स टेक अ राइट टर्न. गेट अवे, स्ट्रेट रोड, हिल क्लाइम असिस्ट आपको सब मिल जाएगा. पंच की बात करता हूँ तो आई कैन ड्राइव लाइक दिस. लेट्स चेक द ब्रेकिंग एज वेल. क्या नज़ारे हैं यहाँ ना. गाड़ियाँ हाईवे पे बहुत नॉर्मल स्पीड है. 100 किलोमीटर पर आर इज अ नॉर्मल स्पीड, जो कि इसके ऊपर बहुत ड्राइव करते हैं. 120-140 इज़ द नॉर्मल स्पीड जहाँ आपको मैच करना पड़ता है. और यहाँ स्लो चलने में प्रॉब्लम होती है ना कि फास्ट चलने में. ये पूरा एरिया वुड्स का एरिया है और कोई भी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर. वी कैन सी अ ब्रोंको और कुछ मोटर बोट्स रखी हैं, शायद लेक के लिए रखी हुई हैं. एंड लोग लिटरली यहाँ बहुत ट्रक्स चलाते हैं. सो कमिंग बैक टू द कार, काफ़ी श्योर फुटेड है. अभी करंटली ये इको मोड पे है एंड इसके बाद ज़्यादा सिंस इट्स अ लग्जरी सेडान तो देर आर नो एज सच ऑप्शंस जिसके अंदर आपको ऐसा कुछ मिले कि स्पोर्ट्स मॉडल या पंची मॉडल आपको कुछ ऐसा मिले. ऐसा कुछ मिलता नहीं है. बहुत ज़्यादा पंची नहीं है यार. इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद इसको हम बहुत पंची नहीं बोल सकते. इट्स अ नाइस कार टू बी एट द बैक ऑफ द सीट. ये पीछे वाली सीट के लिए है. ड्राइवर्स कार आपको इसको बिल्कुल नहीं बोल सकते. काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन हैं. इंजन बिल्कुल पंची नहीं है. रेव करोगे तो यू वॉन्ट फील लाइक इट्स गोइंग लाइक अ बीमर और सम वॉट अदर. लाइक ऑल दो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. आई लाइक दिस कार जस्ट फॉर द फैमिली पर्पजेज, नॉट फॉर द ड्राइविंग पर्पजेज. बाकी अगर हम देखें तो हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम
बहुत प्यारा है, एयर कंडीशनिंग इसका बड़ा प्यारा है, हिल क्लाइंब असिस्ट वगैरह के अंदर बहुत प्यारा रिस्पांस देती है, जो कि बाकी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी देती हैं। ऑल्दो इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम लगता है, बेसिकली अ कॉम्पिटिशन फॉर कैमरी, निसान, अल्टिमा, सो आई थिंक इट्स अ कॉम्पिटिशन टू दोज। और मैंने काफ़ी नोटिस किया है इस गाड़ी के अंदर कि जब हाईवे पर मैं हाई स्पीड पर जा रहा होता हूँ, तो जब भी हाई स्पीड पर जाता हूँ तो मेरे को राइट और लेफ्ट रखने के लिए थोड़ा बहुत मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी लेफ्ट राइट भागती है भैया। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दी टायर अलाइनमेंट, जो कि हो सकता है रेंटल कार्स का थोड़ा ख़राब होता है, हर टाइप का ड्राइवर यूज़ करता है। लेट्स गो टू द बैक सीट। बैक सीट पे जाके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है और कितना लेग स्पेस है और कितना बूट स्पेस है। पीछे और जाके देखते हैं। इनफ सीट बेल्ट्स यूएस के अंदर पीछे वाले पैसेंजर्स को भी मैंडेटरी है, जो कि इंडिया में भी कर रहे हैं सीट बेल्ट्स पहनना। ग्लो बॉक्स देखेंगे तो इट इज़ नॉट द वन जो आपकी ड्रिंक्स को ठंडा रख सके, वेर एज ये टेलीस्कोपिक एंड एडजस्टेबल मिलता है आपको। इधर पे कप होल्डर्स हैं जो कि बड़ी बॉटल अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, छोटी बॉटल ईजिली अकोमोडेट करते हैं, अदरवाइज वी कैन पुट पैकेट्स एंड ऑल। दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ आई गेस सफाई करने में दिक्कत होगी, अदरवाइज दिस इज अ नाइस प्लेस टू होल्ड एंड इट्स क्वाइट डीप एज वेल। ये आपको सॉफ्ट टच के लिए दे दिया गया है फॉर द लग्जरी सेगमेंट। और ये LT वर्जन है तो आई कैन नॉट इवन कंपेयर विद LT1 एंड LT2, तो हो सकता है कि उनमें और सफाइसेस और चीज़ें मिलती हों। बेसिक AC कंट्रोल्स हैं विच आर क्वाइट एक्सेसिबल। अगर ये ड्राइवर्स एंड की तरफ थोड़े से टिल्टेड होते हैं तो ये और भी अच्छा लगता है, वेयर एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो सब हमको इसमें मिल जाता है अच्छे से। एयर बैग्स हमारे यहाँ भी हैं और पीछे भी है, सो एयर बैग से भरी हुई गाड़ी है, तो यू कैन फील सेफ। और शेवरले की क्वालिटी ऑब्वियसली, सो वी हैव क्रूज कंट्रोल एंड दिस इज फॉर मेंटेनिंग द डिस्टेंस विद द फ्रंट कार विच इज बिहेविंग करेक्टली। मैंने इसको चला के देखा अराउंड, मैंने 50 माइल चला के देखा और ये बहुत प्यारा चल रहा है। दिस इज अगेन द लेन असिस्ट, आई कैन पिक अप द कॉल एंड रिजेक्ट द कॉल। फिर इसमें जो ऑडियो कंट्रोल्स है वो पीछे की तरफ है, इफ यू कैन सी ऑडियो कंट्रोल्स करीब यहाँ है, यहाँ पर है। दिस कार इज नॉट दैट पंची, इट्स नॉट फॉर ड्राइवर्स, इट्स फॉर शॉफर ड्रिवन एंड इट्स फॉर द बैक सीट। हमने इसको अराउंड 100 माइल चलाया। 100 माइल चलाने के बाद मुझे फील हुआ कि गाड़ी थोड़ी लेफ्ट राइट जाती है हाई स्पीड पे, बट इट्स क्वाइट स्टेबल। अभी मैं एक ग्रेडियंट पे खड़ा हूँ, यू कैन सी, एंड आई जस्ट मेक द कार स्टेशनरी, द कार इज गोइंग बैक नाउ, आई प्रेस द ब्रेक, इट्स नॉट गोना गो बैक। सो हिल क्लाइंब असिस्ट का बहुत फ़ायदा होता है, इंडिया में भी प्रमोट करो कि वी शुड एक्चुअली टेक ऑटोमेटिक कार्स, वेयरएज अगर मैं हिल पे आपको, इट इज स्लाइडिंग थ्रू स्मूथली, इट्स स्लाइडिंग लाइक अ बटर। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि यहाँ पर मेरे क्रूज कंट्रोल्स है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हो गया था, पर ये क्रूज कंट्रोल्स नहीं है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं मेरे हाथ के अंदर। सो लेट्स गो, एंड लेन असिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है अभी दिखा के। वी हैव क्रूज कंट्रोल एज वेल, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो 20-15 माइल्स पर आर अगर मैं जाता हूँ तो उसके ऊपर ही मेरे को। तो लेट्स सी द एंट्री एग्जिट। अभी एंट्री एग्जिट, ओ हो, इट्स इजी, मैं बोल रहा हूँ इट्स इजी, जो कि मेरे को मर्सिडीज में फील होता है और कहीं फील नहीं हुआ है। लेग रूम ऐसा है कि आई कैन गो फॉर 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आई हैव चार्जिंग यूनिट्स यार, ऑल्दो अगर टाइप सी वगैरह दे देते ना तो काफी सही होता। दीज आर क्वाइट इफेक्टिव। दिस इज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट एरिया। सिंस इट्स अ वेरी ह्यूज लेंथ, इतनी ज्यादा बड़ी है इस गाड़ी की, तो यहाँ भी अगर कंपार्टमेंट दे देते ना ताकि आई कैन स्नीक इन इनटू द रियर बूट, तो इट वुड हैव बीन वेरी नाइस टू मी, बहुत ही अच्छा लगता मेरे को। फिर आई कैन इवन ओपन अ न्यूज़पेपर एंड रीड। जनरली गाड़ियों में अगर आप चेक करोगे, नहीं पता होता कि आप ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो पीछे बैठ के इजीली। थ्री वे डोर भी नहीं है शायद इसका थ्री वे डोर है। इट्स क्वाइट इंसुलेटेड, रोड नॉइज बिल्कुल नहीं आती है। लेट्स चेक। अदर देन दैट, अगर हम इसकी बूट स्पेस देखते हैं, बूट स्पेस काफ़ी बड़ी है। ये सीट्स को डाउन करने के लिए है, आगे वाली सीट्स को डाउन करने के लिए है, जो कि बिल्कुल डीप में है। जैसे उसको डाउन करता हूँ तो ये वाला मेरा एरिया आगे वाला भी यूटिलाइज हो सकता है, बट मुझे वहाँ से एक्सेस मिलना चाहिए था, वो मैं बहुत फील कर रहा हूँ। क्योंकि अगर लॉन्ग रूट पे आज जहाँ पर आप गाड़ियाँ रोक नहीं सकते और आपको एक्चुअली किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो बूट के अंदर है, तो आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। इट कैन बी इमरजेंसी एज वेल, फर्स्ट एड किट है, कुछ भी है, तो यू कैन नॉट इवन एक्सेस दैट। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड शार्क फिन, इट लुक्स वेरी नाइस, गुड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग शेवरले। ऑल इन ऑल ब्रेकिंग इज अमेजिंग, ब्रेकिंग बहुत प्यारी है, पंच बिल्कुल नहीं है गाड़ी में, इट्स शॉफर ड्रिवन, शॉर फिटेड है पर पंच नहीं है, सॉफ्ट सस्पेंशन है। और छोटे छोटे अपडेट्स के लिए देखते रहिए बाय मोटर गाड़ी चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।